हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चने की दाल का बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए लिया है मैंने ये एक कप दाल, जिसको मैंने पहले से भिगो दिया था और फिर इसे साफ करके छान लिया है। अब मैंने कुकर को रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ये चने की दाल है, इसकी हम पूड़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा। ये 1 टेबल स्पून ऑयल है, तो जीरा हमारा सिजल हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे अपनी दाल। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो आप छान के डालिए। ये एक कप दाल है, इस एक कप दाल में आप आराम से 16-17 पूड़ी तैयार कर सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे सॉल्ट। अब इनको चला करके मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए भून लेंगे। दो तीन मिनट तक इसे इस तरह से फ्राई करना है, चलाते हुए घुमाते हुए इस तरह से। अब हमने इसे 2-3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने लिया था दाल भिगोया था उसी कटोरे से भर करके मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ कम था, इस कटोरे में मैंने इससे भर करके पानी ऐड कर दिया है इसमें। और इसमें एक उबाल आने देंगे। कभी भी आप कुकर का ढक्कन लगाने से पहले जो भी चीज़ बनाएं उसमें उबाल आ जाने दें, फिर आप लिड लगाएं, तो उसमें टेस्ट भी बढ़ता है और सीटी भी सही तरीके से पकड़ती है। तो इसमें 4-5 सीटी लगाएंगे हम। और इसके लिए चटनी ली तैयार करने के लिए लिया है मैंने 1/2 प्याज और लहसुन की कलियाँ और ये मिर्च और लिया है धनिया की पत्तियाँ। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे नमक और इसकी चटनी बना लेंगे, इसे पीस लेंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिया है सब कुछ। मैंने दाल को कुकर में अच्छी तरह से गला लिया था और उसे ग्राइंडर में पीसने के बजाय मैंने उसे वैसे ही मैश किया है लैडल की मदद से, की हेल्प से। इसमें चटनी ऐड करेंगे थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसे टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी दाल में भी नमक ऐड किया है तो ध्यान दे करके हमें चटनी मिलाना है। इसमें टेस्ट जैसा होगा उस तरीके हिसाब से हम इसमें मिक्स कर लिए हैं। देखिए तैयार हो गया है। और आप चलिए इसमें से आटा मैंने पहले से ही गूंथ करके फ्रिज में रख दिया था, ये रात का आटा है, ये मैं सुबह में बना रही हूँ नाश्ता। और मैंने आटा रात में ही गूंथ करके रख लिया था, जिससे क्या होता है कि पराठे और पूड़ी जो भी आप बनाते हो फटता नहीं है। यही खास बात होती है पराठे पूड़ी ना फटने की। आपको जब भी बनाना हो आप पहले ही रेडी कर लीजिए आटा और उसे फ्रिज में रख दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम कटोरी बना लेंगे। आपको जिस तरह से बनाना आता हो बनाइए। अब इसमें स्पून से फिलिंग डाल देंगे और इसे इस तरह से घुमाते हुए बंद कर देंगे चारों तरफ से। ऐसे करना है आपको जब भी पराठा पूड़ी कुछ भी बनाना हो उस तरह से फिलिंग करके, तो आप पहले से ही आटा बना करके रेडी कर लीजिए और उसे फ्रिज में रख लीजिए और उसके ऊपर तेल अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपका आटा टाइट नहीं होने पाएगा। और देखिए कितने आराम से ये बन रहा है, मैं जस्ट निकाल के जस्ट ही यूज कर रही हूँ इसे। इस तरह से घुमाते हुए इसे अंदर की जो फिलिंग है वो चारों तरफ फैल जाए। अब हाथों से इस तरह से, या तो आप बेलन से भी इस तरह से इसको फैला सकते हैं या अपने हाथों से फैला दीजिए, जो आपको सही लगता हो। देखिए मेरा बनकर के रेडी हो गया है एक, और अब मैं आपको दिखाऊंगी बेलन से कैसे करते हैं।
पहले हमने पेड़े बना लेना है। तो ये फिर डस्ट करेंगे और इस तरह से चाहे आप कटोरी बनाइए या इस तरह से कीजिए, फैला लीजिए हाथों से, फिर इसे बेल लीजिए। थोड़ा सा बड़ा बेलना है। और अब बेलने के बाद बीच में फिलिंग डाल देनी है। देखिए मैंने इतना बड़ा बेला है, इसमें बीच में फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग आपकी बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ से इस तरह से उठा के इसे दबा देंगे इससे इस तरह से। फिर इस तरह से इसे घुमा लीजिए। और आटे से डस्ट कर लीजिए। और अब इसे बेल लेंगे ऐसे। देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, बहुत इजीली बन जा रहा है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। मैंने पहले ही ऑयल डाल के कढ़ाई में इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब बिल्कुल मीडियम आंच है, फ्लेम है इसकी। अब मैंने इसको इस पर, अगर आपको डालने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से पलटे पे रख करके और इसमें डाल दीजिए, तेल भी आपके ऊपर छिटक के नहीं आएगा। और इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने आप से धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। अगर आप छेड़ेंगे तो ये फट जाएगी। देखिए ऊपर आ चुकी है अपने आप से, डालने के बाद बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब ये ऊपर आ जाए तो इसको इस तरह से पलट देना है। देखिए नीचे से बिल्कुल सिक चुकी है, कुक हो चुकी है। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बस पलट देना है। दो बार इसका काम है, उसके बाद इसे निकाल लेना है। हमारे पराठे या पूड़ी तभी फटते हैं जब हम फौरन आटा गूंद करके और यूज़ करते हैं। तभी हम जब पराठे पूड़ी बनाना हो तो उस आटे को गूंद करके फ्रिज में रख देना चाहिए। दूसरा इस तरह से डालिए, चाहे हाथ से डाल दीजिए या आप छन्ने या पलटे पे रख करके डालिए। देखिए अपने से ऊपर आ रही है, मैंने इसको छेड़ा बिल्कुल भी नहीं है। और इधर मैं तैयार भी कर रही हूँ और धीरे धीरे ये अपना कुक होता रह रहा है। देखिए ये फूल गई है पूड़ी हमारी, और नीचे से अच्छी तरह से पक चुकी है, साइडों पे नजर आ रहा है। और अब इसे पलट देंगे। बिल्कुल भी नहीं फटी है, आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको सही तरीके से दिखा रही हूँ। और अगर फट भी जाए तो आप, नीचे से फट गई है तो आप फौरन पलटा उसके नीचे लगा दीजिए और पलटे पे रख करके उसको उस तरह से होने दीजिए, जिससे कि उसके अंदर की जो फीलिंग्स रहती है वो बाहर नहीं आती है। देखिए इस तरह से ये आपको खो चुकी है, निकाल लेते हैं इसको। अब तीसरी में निकाल के डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये अपने से ही ऊपर आ रही है। देखिए अच्छी तरह से कुक हो गई है नीचे से। साइडों पे देखिए रेड रेड होने लगा है।
तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए अब इसे हम पलट देंगे। अब ये हो चुकी है, इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।